लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है सैनिटाइजर की व्यवस्था, वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम डाल रहे लोगों की जेब पर डाका। इमरजेंसी के नाम पर वसूल रहे 3 गुना फीस, और हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंस को लेकर नहीं है कोई व्यवस्था और ना ही हॉस्पिटल के गेट पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है। प्राइवेट नर्सिंग होम को क्वारंटाइन किए जाने के बाद भी फिरोजाबाद के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, पूरा मामला यूनिटी हॉस्पिटल और स्टेशन रोड स्थित ओम हॉस्पिटल का है, जहाँ बैठने वाले डॉक्टर की फीस 50 रुपए से 100 रुपए है। वहीं आज इमरजेंसी के नाम पर 300 रुपए वसूलते देखा गया। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ पे आए थे आप? मैं होम हॉस्पिटल में आया हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। क्यों आए थे आप? ऐसा है, मेरी बीवी जो थोड़ी तबीयत खराब थी। अच्छा, डॉक्टर साहब की जो फीस है वो क्या है वैसे? डॉक्टर साहब की जैसे फीस जो है 70 रुपये 120 रुपये थी। आज इमरजेंसी में 300 रुपये। आज 300 रुपये लिए हैं। बाहर गेट ड्यूटी दी है उन 11 के लिए, इनको भी लीजिए। इसमें जो कौन सा हॉस्पिटल है? यूनिटी। यहाँ पे सैनिटाइजर क्यों नहीं है? सैनिटाइजर कल से खत्म हो गया है अस्पताल में। नहीं है सैनिटाइजर हमको छोटी सीसी में मिला है, जो अपने हाथ हमें धोने के लिए। और अगर कोई आप जैसे लोग आ जाते हैं, महानुभव पत्रकार या सरकारी महकमे के, तो उनको करा सकते हैं। पब्लिक के लिए भी हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। क्योंकि आगरा में भी नहीं है, कहाँ से लाएँ इतना सैनिटाइजर। 130 करोड़ की आबादी है, पब्लिक भ्रम में ज़्यादा घूम रही है, सही पालन नहीं कर रही है नियमों का, तो हॉस्पिटल वाले क्या करें? जब पब्लिक सही पालन करेगी तभी तो लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा पाएंगे। आप आए हैं, आप ग्लव्स पहन के नहीं आए, मास्क लगा के नहीं आए, पत्रकार बंधु हैं।